सब लोग। तो हम लोग गांधी मैदान के पास आ चुके हैं जो कि पटना है, और ये बिहार दिवस का जो कार्यक्रम हो रहा है वो प्रारंभ हो चुका है, और गांधी मैदान के अंदर हम लोगों को एंट्री नहीं है। जितने भी गार्ड सब है हमको अंदर जाने के नहीं जाने दे रहे हैं सब। तो हम लोग इधर फिर से पैदल ही अपने सफ़र को तय करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं सर। आप देखते रहिए, ये पटना का नज़ारा है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो कि हम लोग अपनी गर्दन ऊंची करके देख रहे हैं, तो हम लोग का गर्दन में मोच आ जा रहा है। एक यहाँ पे एक आदमी कुत्ते को लेकर जा रहा है, यहाँ पे इंसानों की कदर नहीं है, कुत्तों की है। आप देख ही सकते हैं दोस्तों। और ये फैराज है जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि यही मेरा वीडियो एडिट करता है। और ये अपने छोटे भाई के लिए कुर्सी लिया है जो कि मॉल से लिया है, और बड़ा महंगा था, 290 रुपये का था, लेकिन ले लिया इसी तरह करके, क्योंकि यूट्यूब का पैसा हम लोग को 499 रुपये आया था, तो 299 रुपये का हम लोग ये ले लिए हैं। और थोड़ा थोड़ा सामान था, ये पोछा लगाने वाला था, क्या किया जाएगा, एक नौकरानी है तो उसको 150 रुपये महीना हम लोग देते हैं। अच्छा गाइस, तो मैं मजाक कर रहा था, मेरा यूट्यूब से भी 1 भी रुपये नहीं आया है भाई, मेरा वीडियो 1 भी वायरल हुआ ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 व्यू जाता है, और जो कि ये एक मेरे बड़े भैया है ये भी मेरा वीडियो देखते हैं, और हम दोनों तो 3 ही व्यू जाता है। धीरे धीरे जाएगा, देखिए जाएगा या नहीं जाएगा, उससे क्या मतलब है आपको, आपको तो बस देखना है, और हम लोग को बस ऐसे ही गजर करते रहना है। मैं बस आपको सबको नज़ारा दिखाने वाला हूँ पटना का, देखते रहिए दोस्तों। और यहाँ पे हाई स्पीड से कार सब कुछ चला रहे हैं, पापा की परिया गिरते गिरते बच रही है सब, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे, चलते चलते हम लोगों का घर आएगा और हम लोग वहीं पर रुक जाएंगे लोग। देखिए दोस्तों, देखिए, और ये पटना का सबसे छोटी बिल्डिंग है जो कि आप देख ही सकते हैं, कितनी ज़्यादा यहाँ पे कार लगी हुई है। और ये गांधी मैदान का नज़ारा है जो कि हम लोग गांधी मैदान के पीछे पीछे जा रहे हैं, कोई जाने नहीं दे रहा था, और बिहार दिवस के लिए काम चल रहे हैं ना, ख्याल है। और यहाँ पे पटना में जो कि विराट और अनुष्का एक ही साथ में फ़ोटो खिंचवा कर एक बैनर बनवाते हुए, वहाँ पे एक के पोस्टर खड़े हुए हैं, लेकिन आप सबको दिख नहीं रहे, लेकिन हाँ दिख गया। देखिए दोस्तों, बिहार और विराट और अनुष्का है, और ये भी एक गेट ही है गांधी मैदान का, ये भी एक गेट ही है। सब सारो काम चल रहे, तो नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, हम लोग फिर वैसे ही पैदल जा रहे हैं, मन तो अब कर नहीं रहा है पैदल चलने को। गाड़ियां हैं, गाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन अपनी नहीं है भाई, गाड़ियों कमी नहीं है लेकिन अपनी नहीं है। देखिए दोस्तों, कभी तो कभी होगी गाड़ी, और सारे बच्चे अंदर चले गए हैं, लेकिन और ये पटना का सबसे महंगा बार्बर हाउस जो कि आप देख ही सकते हैं दोस्तों। मैं भी यहीं पर अपना बाल बनवाता हूँ, लेकिन आज पैसे नहीं इतने ज़्यादा कि मैं इनको दे सकूँ, तो जब भी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं फिर यहीं पे आकर अपना बाल बनाऊंगा। आप देखते रहिए दोस्तों। और यहाँ पे तेज़ी से एक एम्बुलेंस आ रही है, बस आवाज़ मिल रहा है और कुछ नहीं, देखते रहिए दोस्तों। और ये देखिए अंदर काम चल रहा है, और ये मेरा दोस्त है जो कि पीछे है, उससे चलन नहीं आ रहा है, बोल रहे कि ना आप ऑटो करो ना, ऑटो ऑटो का तो पैसा है नहीं, इसलिए बोल रहे हैं कि पैदल चलो, क्या किया जाए। और ये भैया ताक रहे थे, ताक झक कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये देखिए गार्ड साहब वहाँ पे बात कर रहे हैं, अपने में आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि होली कब है, होली परसों है, यानी कि 18 तारीख को होली है, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये भी एक गाड़ी है, लेकिन ये भी हम लोगों की नहीं है, हम पैदल ही चलेंगे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आओ ये भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि पटना में स्थित है। ये बात है कि मेरा दोस्त मेरा मदद करता है, नहीं तो मैं आप सबको ये भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आप सबको नहीं दिखा पाता। दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है, जिसका मैनेजर पहले मैं था, लेकिन अब हटा दिए गए हूँ, थोड़ा धक्के मार कर निकाला गया है भैया इसको। अरे वो तो आप सब जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, इसलिए मुझे निकाल दिया गया था, ज़्यादा काम कर रहा था और पेमेंट बहुत ही कम मिल रहा था, तो मैंने बोला नहीं अब इतने में क्या काम करेगा, महंगाई इतनी ज़्यादा है जैसे कि आप जानते हैं,
ये यही 4.5 लाख के मंदिर था मेरा, लेकिन कुछ काम नहीं हो पा रहा था इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब ये देखिए मैं सड़क पे आ चुका हूँ, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ये सब आप सबकी मेहरबानी है। नहीं और पीछे एक मोहतरमा आ रही है जो कि भाई बता रहे हैं, लेकिन उसे भी भाई देख सकते हैं एक मोहतरमा आ रही है, कुछ दिख नहीं रहा है। आ रही है। छोड़िए इसकी बातों को, क्या इसकी बातों को नजरअंदाज। और यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति को आप सामने की ओर देख ही सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति है, मूर्ति। धीरे धीरे हम आप सबको पूरा नज़ारा दिखलाने वाले हैं, और ये गांधी मैदान चारों तरफ हम लोग गांधी मैदान को नज़ारा आप सबको दिखलाएंगे। किधर मूर्ति है, किधर को आ रही है, किसी की भी हो मूर्ति उसे क्या करना है, बस राजेंद्र प्रसाद की आपने बोला है तो। और धीरे धीरे हल्के कदमों से हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। लोग दोस्तों अगर आपके पास कोई गाड़ी वगैरह है तो प्लीज़ भेज दो, हम लोग उससे बैठ के जाएंगे। लोग चला नहीं जा रहे हम लोगों से, पैसे बचाने के चक्कर में ये सब हाल हुआ है। तो मैं बोलूँगा कि पैसे ना बचाए और पैसे का सही से उपयोग करें, और ज़्यादा पैसे घर पे भी ना रखें, क्योंकि आजकल मर्डर का ज़्यादा खतरा बढ़ रहा है और चोरी का। आप देख सकते हैं यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद की जो कि मूर्ति लगी हुई है, लेकिन आप सबको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि सामने मैं हूँ, सामने डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का यहाँ पर मूर्ति लगा हुआ है, आप सामने पीछे हमारे देख सकते हैं। और आप सबको दिखाई दे रहा होगा या नहीं, मुझे उससे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैंने आप सबको दिखाना चाहा। लेकिन भैया जी ठीक कर रहा है, चलिए डॉक्टर हम लोग फिर आप सबको और पटना का अलग नज़ारा दिखलाने वाले हैं। आप देख ही रहे हैं दोस्तों कि ये सब पटना का नज़ारा है, गांधी मैदान के किनारे सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, पुलिस चौकी भी यहाँ पे थोड़ी दूर बाद है। तो आप लोग देख चुके हैं हम लोग पैदल चलते चलते बिहार आर्ट थिएटर के पास पहुंच चुके हैं, और यहाँ से केवल मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा घर है। तो आप लोग हम सबको प्यार देते रहे ताकि हम लोग पैदल चलते रहे और अपने मंजिल को पा सके, बस यहीं से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। कम से कम ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 या 6 घंटा और लगेगा, हम लोग अपने रूम के पास पहुँच जाएंगे। लोग तो बस आप देख ही रहे दोस्तों कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, और ये बहुत ज़्यादा गंदगी है पटना में भाई। अगर आपको कभी दिल करे ना पटना में आने के लिए तो बिल्कुल ना आइएगा, ना पढ़ाई के लिए ना घूमने के लिए, एकदम बेकार है। और दोस्तों हम लोग धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से उद्योग भवन के पास आ चुके हैं। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे ये उद्योग भवन है, जो कि मेरा बैक का कैमरा काम नहीं कर पाता है, इसलिए मैं उल्टे होकर ये उद्योग भवन की तस्वीर आप सबको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे चलते चलते हम लोग अब उद्योग भवन के पास भी आ चुके हैं। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। तो दोस्तों कि आप सबको जैसे पता है कि एक गाना एक आया था कि मैं ले चलूँ तुम्हें तारों की शहर में, तो यही वो तारों की शहर है। अब ये देख सकते हैं उद्योग भवन के किनारे जो कि है, ये तारों का शहर जाना है नहीं ना, मत जाइएगा दोस्तों, उलझ के अपने दम तोड़ दिए, ये उद्योग भवन है देखिए दोस्तों। और दोस्तों हम लोग रोड को उद्योग भवन के पास हम लोग अपना आगे बढ़ रहे हैं, और ये ऑटो वाले भैया बोल रहे हैं स्टेशन पर चलेगा, तो स्टेशन यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। तो हम लोग अब वैसे ही अपने क्या बोलिए, उद्योग भवन है देखिए, आपने कभी नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, पटना में जो उद्योग भवन स्थित है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है दोस्तों। तो अब हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं लोग, तो दोस्तों की जैसे आप सब चाहते हैं कि मैं आप सबको पटना का नज़ारा दिखलाता हूँ, तो हमारे चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा प्यार दीजिए, ताकि मैं आप सबको और कुछ ना कुछ दिखाने का प्रयास करूँ। देखिए सर भैया जी शर्मा रहे, एक छोटा बच्चा था और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है, जो कि ये लग रहा है दूसरी पंडारा ज्वेलर्स का दुकान है। देखिए यार उनको वो गुस्सा करें तो गुस्सा करने तो कुछ होगा नहीं, और यहाँ पे भी एक ऑडी हमारे मिल चुकी है, और यहाँ पे एक ऑडी और मिल चुकी है, लेकिन हम लोग इसमें भी नहीं बैठेंगे क्योंकि ये भी हम लोगों की नहीं है। बहुत अफसोस होती है जब हम लोग के पास इतनी सारी कार नज़र आ रही है लेकिन हम लोग बैठ नहीं सकते हैं। आप सबको भी ऐसे ही लगता होगा कि आप सबको भी नज़र आती होगी ये सब कारें, लेकिन मेरे एक भाई है जो कि बाइक में कुर्सी से टकरा गए हैं, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, भाई साहब ने मना कर दिया और
हम लोग अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।